Hello, my dear students. Today we will study about median of chapter 14 of class 10. In today's video, we will learn how to find median of group data. Dear students, median means middle or central value. Formula of median is ME equal to L plus N by 2 minus CF by F into H, where L equal to lower limit of medial class. H equal to width of median class, F equal to frequency of median class, and CF equal to cumulative frequency of median class preceding the median class, N equal to sigma Fi. To know more about median in detail, let us take an example. Example is given that find the median of following data. Marks are given and number of students. Marks 20 to 30, number of students 5. Marks 30 to 40, number of student 15. 40 to 50, number of student 25. 50 to 60, number of student 20. 60 to 70, number of student 7. 70 to 80, number of student 8. And 80 to 90, number of student are 10. Dear students, median के लिए हमें cumulative frequency यानी CF find करनी होती है. So dear students, cumulative frequency find करने के लिए अगर क्लास इंटरवल दिया हो और उसकी फ्रीक्वेंसी दिया हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्यूमुलेटिवली ऐड करते हुए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल में ये क्लास इंटरवल 20 टू 30 का फ्रीक्वेंसी मेरे पास 5 है तो इसकी सीएफ भी 5 होगी. सीएफ को हम लेस देन टाइप या मोर देन टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं. सो एट फर्स्ट हम प्रीफर करते हैं लेस देन टाइप को. तो यहां हम देखते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 5, सो इट सीएफ इज सेम एज 5. एंड सेकंड क्या होगा, सेकंड में मेरे पास फर्स्ट का सीएफ सेकंड फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 15 दैट इज 20. उसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे. अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड का सीएफ को थर्ड फ्रीक्वेंसी से ऐड करेंगे, यानी 20 प्लस 25 दैट इज 45. इसी तरह से ऐड करते हुए 45 प्लस 20 इक्वल टू 65, 65 प्लस 7 इक्वल टू 72, 72 प्लस 8 इक्वल टू 80, एंड 80 प्लस 10 इक्वल टू 90. नाउ सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट मींस 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10, यानी टोटल को अगर ऐड करते हैं तो वो मेरे पास 90. इसी को हम सिग्मा एफ आई से इंडिकेट करते हैं और इसी को हम मीडियन के लिए n से भी इंडिकेट करते हैं. देयरफॉर n इक्वल टू 90 एंड n बाय 2 इक्वल टू 90 बाय 2 दैट इज 45. नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 45 दैट इज 65, यानी 45 n बाय 2 का जो वैल्यू आएगा उससे जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना है जो मेरे पास 65 है. देयरफॉर मीडियन क्लास, इट्स मीडियन क्लास, इसका मीडियन क्लास कितना, 50 टू 60. देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 50 टू 60. अब इसमें से हमको L सेलेक्ट करना है. L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो वो मेरे पास कितना है 50, तो L इक्वल टू 50. H इक्वल टू विड्थ ऑफ मीडियन क्लास मीन्स डिफरेंस, 50 टू 60 का डिफरेंस कितना है मेरे पास, 60 माइनस 50 दैट इज 10, तो H इक्वल टू 10. F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी मेरे पास 20 है, सो इट इज F, तो F का वैल्यू मेरे पास 20 है. अब CF, तो CF क्या होता है, CF इक्वल टू CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मींस जो मेरे पास यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन जैसे 65 आया, या फिर मेरे पास मीडियन क्लास के पहले का जो CF होता है उसी को CF लेते हैं. यानी ये मेरे पास मीडियन क्लास है 50 टू 60, तो इस क्लास के पहले क्लास का मेरे पास 40 टू 50 का CF क्या है 45, सो CF इक्वल टू 45. एन बाई टू इज ऑल्सो 45. फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज एम इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच. पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, इक्वल टू 50 प्लस एन बाई टू मीन्स 45, सी एफ मीन्स 45 बाई एफ मीन्स 20 इंटू एच मीन्स 10. कैलकुलेट दिस वैल्यूज, 50 प्लस 45 माइनस 45 बाई 20 इंटू एच मीन्स 10. तो उसका वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, 10 हो गया ये. अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर मेरे पास 50 प्लस 45 माइनस 45 दैट इज 0, 0 बाई 20 मीन 0,
फिर 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 50 प्लस 0 इक्वल टू 50, हेंस मीडियन मार्क इक्वल टू 50। तो इस तरीके से हम मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आफ्टर वॉच दिस वीडियो यू कैन फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा एंड एट लास्ट टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ माई चैनल। थैंक यू।